कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी फिशिंग टेक। और आज हम वागोले के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इंडिया में उसको वागला वागोला ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम है रे फिश। आज हम उसके बारे में वीडियो में दिखाऊंगा और उसी के बारे में बात करेंगे, उसकी विटामिन फैट्स के बारे में भी बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा है, देखिए इसकी एनर्जी, प्रोटीन, फैट्स अब सब इसके स्क्रीन पर सामने है, आप खुद इसको रीड कर कर चेक कर सकते हैं। और हम इसके वैरायटी के बारे में भी जानेंगे। और जैसे कि अभी आप स्क्रीन में इमेजेस देख रहे हैं, ये रे फिश है, यानी इंडिया में वागोला वागला बहुत सारे नाम है। ये इंडिया में, पूरे इंडिया में पाया जाता है, कोई डीप में पाया जाता है तो कोई यानी समंदर के किनारे में पाया जाता है, यानी 10 फीट से लेकर 700-800 हज़ार फीट तक ये पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसके नेम इमेजेस भी है, आपको इसका प्रैक्टिकल भी दूंगा जो हमने पकड़ी है, टाइगर रेफिश है वो। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों ये है वो रेफिश, यानी आप कह लो वागोला इंडिया में या वागला, इसके बहुत सारे नाम हैं इंडिया में। और इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आप देख सकते हैं। और इसकी पूंछ कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पूंछ में जो कांटा लगा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी खतरनाक उसका कांटा एकदम कांटा नहीं है, लेकिन उसके जिस्म पर जो चिकनाई होती है जिसे हम लार कहते हैं, वो अगर आपके जिस्म में कहीं भी कट लगा हुआ हो, यानी किधर भी चोट लगी हो, अगर उसको लग जाए, चोट पर लग जाए, तो आपको इतना दर्द होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए आपको नज़दीक ला के दिखाता हूँ, ये वो कटा, इसके चाकू से भी तेज़ होता है, यानी अंदर चला जाए तो इसको उल्टे साइड में बारीक 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 काटे होते हैं, यानी ये एकदम से ब्लेड की तरह, एक्सर ब्लेड की तरह होता है। तो चलिए आगे, तो आगे देखिए ये मेरे पास 4-5 और मिली थी, तो इसमें से कुछ ही दिखाऊँगा आपको, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए इसकी भी पूछ काटना बहुत ज़रूरी है, चलिए इसकी भी पूछ काट देते हैं, ये काट दिए। और केबिन के साइड में और पड़ी हुई है, आपको दिखाऊंगा। उससे पहला इसकी पकवान की थोड़ी बात कर लेते हैं, जो हमारे गांव में हो या बहुत सारी जगह पर इसका खट्टा मिर्ची नाम एक रेसिपी बनाई जाती है, यानी इसकी कड़ी बनाई जाती है, रेसिपी यानी खट्टा मिर्ची बोल के, उसमें उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाती है, ये खाने के लिए बहुत टेस्टी हो जाती है। और देखिए 4-5 पड़े हुए हैं उधर, आप देख सकते हैं, देखिए ये इतना चिकना होता है कि किधर भी फिसलने लगता है। इसको उठा के लेके अंदर रखेंगे, देखिए ये है 4-5 रखी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाइयों, आपके इसी तरह से प्यार दिखाने से मुझे आगे वीडियो बनाने की खुशी होती है बनाने में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।